बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? हम लोग ठीक है, आप सबकी दुआएं चाहिए और बहुत सी दुआओं के साथ आज मजे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हेलो इना, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं अरशद भाई के घर, जो है हमारा डिनर है, वहाँ पे एक सरप्राइज भी है। वहाँ पे एक सरप्राइज भी है। आप लोगों को आज वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत कोई नए बंदे से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि आप सब उनको जानते भी हैं। तो आज वीडियो में जो है चैनल पे स्टे ट्यून, और क्या आपको मिलेगा मजेदार से सरप्राइज। बिल्कुल जी, रियान सलाम करो, नहीं स्लो करो आज। क्या कह रहे हैं? चले ना एना, चलें जी, चलते हैं और मिलते हैं वहां जाकर। चलें जी। तो आसिफ गए हैं बेकरी, और क्या, जो लाहौर में रहते हैं ना लेयर्स को जानते होंगे, या जो नहीं जानते तो मैं रिकमेंड करूंगी इनका केक लाजमी खाएं, खास तौर पे चॉकलेट मूस फ्लेवर बहुत यमी है। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है आप लोगों को बताने के लिए कि बहुत बहुत आला टेस्ट है इनके केक का, और बहुत फ्रेश होता है। तो रिकमेंडेशन है मेरी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अभी हम अरशद भाई के घर आ गए हैं, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें। अच्छा सरप्राइज दे, सरप्राइज दे दें जी, मेरा ख्याल दे दें। तो ये है सरप्राइज, माशाल्लाह। आपकी कैसी है आंटी? आप ठीक हैं? सारे भाई आप कैसे हैं? आप लोग की आंटी हूँ मैं आपकी। हाँ, जो आप बोले। मैं आपकी भी है, आंटी भी, इधर भी बसला है, इधर भी बसला है मुझे। आपकी कहूँगा मुझे ज्यादा बेहतर लगे, तो बड़ी बहन आपकी वो ज्यादा बेहतर लगे। आंटी लगती भी नहीं है, कोई शर्म नहीं आंटी की लगती। और बहुत अच्छा लगा इधर करें, सच बता रहा हूँ। हमारा 10-15 दिन बाद इस्लामाबाद का, सबको पता है सेकंड चैनल लॉन्च हो रहा है हमारा, हमने इस्लामाबाद जाना, वहीं से हमारी लॉन्चिंग है। तो हमारा बहुत दिल था हम जाएंगे वहाँ, इन लोगों से मुलाकात कर कोशिश करेंगे। पर आज किसी थर्ड घर में, इतने अच्छे घर में जहाँ मुझे आना बहुत पसंद है, वहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात हो रही है, कैसे मजे की बात है। बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी जो है ना इंसान की जो इमेज है ना वो पॉजिटिव हो जाती है इंसान से मिलकर। बहुत बहुत अच्छा, मैंने भी आप लोगों को मिली और मुझे लगा कि बड़ा अच्छा कपल है माशाल्लाह से। और बहुत जल्द आप लोग जो है ना, आपका चैनल जो है ना वो ग्रो करे, और बहुत अच्छे से आप लोग वीडियोस बनाएं, और मैं तो कहती हूँ पॉजिटिव बनाया करे यार। मेरी वीडियोस में आप लोगों को मिलेगा, दुनिया कुछ भी करती रहे, कहीं कुछ भी हो, हमने एनर्जी से आना है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने अपनी व्यूअर्स को एंटरटेन करना है, एंटरटेन करना है, और रोने धोने। आपके व्लॉग में सबसे अच्छा उसका सलाम है। इंशाल्लाह आपको हम इनवाइट भी करेंगे, इंशाल्लाह हमारा सेकंड चैनल भी लॉन्च हो रहा है, और वो इस्लामाबाद से ही हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए अब आप लोग खाना खाएं पहले, बाकी बातें बाद में करते हैं। खाना खाते फिर बातें करते जी ना। बातों में इतना मजा आया ना कि बहुत लेट हो गए हैं। हाँ, मैं उधर कैमरा नहीं कर सकता, इस टाइम रात के 1 बज चुके हैं। और हाँ जी, अच्छा वो खुद, उन्हें भी आइडिया नहीं है, पूछ पीछे से आवाज दे रही है। अच्छा आप ही ये पूछ रही हैं, और ये बैठी हुई है आप ही। आप ही क्या लग रहे हैं जी? उल्लू जो रात को जाग रहे हैं वैसे, सारी रात के भी जाग। ये देखिए सैमी की हालत देखिए, ये सारी रात जागे और सारा दिन ड्राइव करके आया, और अब फिर बैठा हुआ है। ये सीन हो गया कि नींद से ना और हंसी लग रही है। हाँ, नशीली आंखें हो गई है इसकी, और ज्यादा हो गई है। और आप ही थैंक यू सो मच, आप लोगों से बैठ के इतना मजा आया, यकीन माने। और ऑफ कैमरा आप ही, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ, और खाना खा के इतना मजा आया। ये बिल्कुल वाकई कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला आप ही, हम आपसे दोबारा मिलने के भी, वो क्या कहते हैं, क्या होगा, तमन्ना रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आरजू रखते हैं। आप हमारी बड़ी बहनों की, आप आवाज आ रही है, आप खुद भी आ जाए। कि हम इनके सामने गाड़ी लगा के गेट के, वो सामने खड़ी है। अच्छा, क्या सीन हुआ होगा?
बहरहाल बहुत मजा आया, आपने दो मिनट बातें सुनी होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कितना को मजा आ रहा है बातें करके। और सच पूछे नायरा का स्कूल ना होता या उसकी तबीयत खराब है, मैं कसम से आधा घंटा और भी बैठना पड़ता, आप लोगों को मैं सोने ना देता, बहुत मजा आता बातें करते। बहरहाल भाई एक प्रॉमिस करो, आपको मैं सोने ना देता, हम अंदर से दिल से बंदवाए दे रहे हैं क्योंकि क्योंकि इन्हें फुल टाइम नींद आई हुई है, दोनों को थके हुए इतना लंबा सफर करके आए, सोने ना देता से मुराद है कि मजा बहुत आ रहा है आपकी आपके साथ बातें करके भाई। मुझे नींद आई है नहीं आपने, पर भाई की हालत, भाई की हालत थोड़ी सी है। चले आप एक काम करें, कल चक्कर लगाए बगैर आप लोगों ने नहीं जाना, ये प्रॉमिस करें आप ही, ठीक है? ऐ देख लो यूट्यूबर की सीधी बिस्ती हो रही है, आप समझ जाओ। चलो इनसे इजाजत लें, आप ही बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हम कल वेट करेंगे आपका, चक्कर लगा के जाइएगा आप, ठीक है? थैंक यू सो मच। नहीं तुम दरवाजे से आ जाओ, अंदर ले जाना, साढ़ा काम है, तुम फड़ के ले जाओगे। ये जो ऑफ कैमरा ये भी हमारी फैमिली बैठी हुई है, इन्हें हमारे घर का भी पता है, तो मेरे ख्याल दरवाजा ना खुल लेना, लात मार के दरवाजा तोड़ के आ जाना, लेके आ रहे हैं इन्होंने। ये सब वो सुन ले जिन्होंने जाना हो, इनका दरवाजा लात मार ले, लात मारना नहीं खुलता, नहीं खुलता, ये मतलब ये नहीं हमारे हाथ में गिफ्ट है, एक मिनट अर्शद भाई डरते हैं कैमरे, अर्शद भाई अभी आ भी रहे, कोशिश हमारी पूरी है कि इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको ये ऑन कैमरा नजर आएंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करे। तो आप लेते इजाजत, काफी टाइम हो गया, बाकी बातें करके हम घर चल के ना करते हैं, ठीक है? ओके आप ही अल्लाह हाफिज। ओके भाई अल्लाह हाफिज। जी तो हम आ गए घर वापस, अभी हम घर पहुंचे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह रात का टाइम देखे 2 बज गए हैं और हालात बाहर कैसे पतरी, पेट्रोल कहीं से मिल रहा है कहीं से नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से हमें थोड़ा सा मिला है, वो हमने डलवा लिया कि चलो गुजारा तो हो एक आध दिन। और नायरा की थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, इसीलिए मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि जल्दी उठ के आ गए वहाँ से, पर आप ही दोनों आपियों और अरशद भाई वगैरह के साथ बातें करके इतना को मज़ा आ रहा था, और समी भाई की आदत इतनी अच्छी है, उनसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा था, दिल नहीं चाह रहा था उठने का, पर मजबूरन टाइम देख के कुछ नायरा की तबीयत की वजह से हमें उठ के वहाँ से आना पड़ा। क्या ख्याल है इतना? बिल्कुल इतना, हम तो अरशद भाई की कंपनी को तो हमेशा से इंजॉय करते आ रहे हैं, और अरशद भाई ही एक समझे ब्रिज बने हैं हमें, जो है हमारा आपी से मुलाकात होगी हमारी वहाँ, क्योंकि उन्होंने हमें भी इनवाइट किया और हुमैरा आपी को भी इनवाइट किया और हम वहाँ मिल गए। और ये कोई आप ये कह लें कि बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं थी जो उन्होंने हमारी की है, उनका जर्फ है, उनकी आला जर्फी है, उन्होंने इस तरह किया जिस तरह अक्सर लोग पेड भी नहीं कर पाते। एक सेकंड रुकना यहीं पे, ये एक बात मैं करना चाहता हूँ, मैं खुद हैरान हुआ हूँ आपी को देख के, हुमैरा आपी की बात कर रहा हूँ कि यार हमने बोला भी नहीं उन्हें, हम ऐसा गेस्ट गए हैं अरशद भाई के घर, हमें ये पता था वहाँ पे कोई YouTube व्लॉगर्स आ रहे हैं तो आपको भी उनसे मिलवाएंगे, इसलिए हमने बोला था सरप्राइज है कोई, हमें भी आपको भी मिलेगा। हमें नहीं पता था हमें इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। और आपी की और समी भाई की आदत देख के यार मैं तो हैरान रह गया हूँ यार, वो हम एक ऐसा उनके क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स हम देखते थे, उन्हें हम उनको बहुत अरसे से फॉलो करते थे, आप लोगों को पता ही है जो भी था पुरानी बातें, लेकिन ये है कि हमारा, मैं सही बताऊं, मैंने उनसे भी ये बात की है कि हमारा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट था हमारे ऊपर उनका, मतलब हमें इतने पता नहीं था, लेकिन जब मैं उनसे मिली हूँ तो होता है ना कि आप जिस तरह अक्सर हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं और लोगों के सब्सक्राइबर भी जजमेंटल वाली बात है, तो मैंने कभी उनके बारे में अल्लाह ना करे बुरा नहीं सोचा, लेकिन कुछ सोचा भी नहीं था इतना, लेकिन जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो इतना ज्यादा उनके पास से आपको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी ना कि इंसान को पता चल जाता है कि उनका नेचर कैसा है, उनका जर्फ कैसा है, मुलाकात के बाद आपको फीलिंग आ जाती है कि जो अब हम लोग को भाई मैच्योर एज है, दुनिया देखी और बहुत कुछ देख चुके हैं इतनी लाइफ में, तो हमें पता चल जाता है कि कौन किस तरह का है। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमने एक दो पेड प्रमोशंस करवाई हैं अपने चैनल के लिए, और आज ये जो हमारी फ्री में प्रमोशन हुई है, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उन्हें खुश रखे हमेशा। हमने खुद भी खुद से, एक बंदा कहता है ना कि हम नए यूट्यूबर हैं, आप ही आप हमें मिलिए तो आप हमारी प्रमोशन कर देंगी या अपने चैनल पे बोल देंगी या हमारे कैमरे में आ जाएंगी, यकीन माने हमें कुछ भी नहीं बोलना पड़ा, उन्होंने खुद ही अपना सोचा था कि हम उनकी
की परमिशन के बगैर जाहिर है कैमरा भी ऑन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद हमें कहा कि आप बनाएं वीडियो, कोई मसला क्योंकि आप व्लॉगर हैं, हमें कोई मसला नहीं। उनका ज़र्फ है, कुछ होते हैं ना लोग जो दूसरों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं अपने साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा ज़र्फ है उनका कि उन्होंने हमें इस तरह से प्रमोट किया और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी क्योंकि अब ये हमारा फर्ज है, ठीक है, हमारा इस सोसाइटी में या हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो कुछ हमारे भी फर्ज हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि हम उनकी अच्छी इमेज आप लोगों के सामने लाएं जो हमें ओरिजिनल नजर आई है, जो नेचुरल चीज हमें नजर आई। तो ये अगर हम ये ना बताएं ना, या हम ना व्लॉग बनाते या हम आपको ना बताते तो ये हम गलत करते, उनके साथ भी ज्यादती थी और हमारे व्यूवर्स के साथ भी ज्यादती थी। तो ये हमारा फर्ज था कि हम उनकी अच्छी इमेज आपके सामने लाएं, आपको बताएं कि वो बहुत अच्छी हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि उन्होंने हमारी प्रमोशन की है, अब बातें करने में और मुझे बड़ी ग्रेस, उनका लहजा यार कमाल है, आप ही का लहजा कमाल है। जवान बच्चे हैं उनकी, ये जाहिर है एक मैच्योर एज है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी उनकी बड़ी मुझे ग्रेसफुल लगी, जिस तरह अपने आप को कैरी करती हैं, तो मैं तो बड़ी इंस्पायर हुई हूँ बिल्कुल। और आप ही, आपका बहुत शुक्रिया, तह दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अरशद भाई फैमिली का तो है ही है, वो तो हमारे लिए ऐसे हो गए हैं कि जैसे हमारी अपनी फैमिली है। बेझिझक होकर उन्होंने एक कॉल किया, हमने कहा हम हाजिर हैं आपके लिए और इनसे मिले हैं, और आप ही ने हमें जैसे वहां पे ट्रीट किया, हम यकीन मानो ही ना, मैं छोटे यूट्यूबर है क्योंकि हमने कैमरा ऑन नहीं किया, हमें ये लगा था कि कहीं वो बुरा ना मनाए कि बड़ी हैं, इतनी पुरानी इतनी बड़ी यूट्यूबर है माशाल्लाह, कि वो हमारा कैमरा उठाने से बुरा ना मनाए कि ये छोटे से यूट्यूबर है तो ये क्यों कैमरा उठा के मेरी वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम सोचते, उन्होंने खुद अपना कैमरा उठाया, अपनी वीडियो बनाई है हमारे साथ, हमारे चैनल का खुद से नाम, उन्हें नाम भी नहीं पता था, उन्होंने खुद से उसके दौरान वीडियो के दौरान हमारा नाम पूछा कि आप अपने चैनल का नाम बताओ, हमने नाम बताया। उसके बाद जब उनकी बात कंप्लीट हो गई, उन्होंने इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह तारीफें की, कहती है मैंने आपकी थोड़ी वीडियोस देखी हैं, उन्होंने हमें ये जरूर बताया था। आप लोग तो जानते नहीं हो, ऑफ कैमरा है मिसेज अरशद जो है, उनका नाम बड़ा मुश्किल है आप ही का, मैं भूल जाती हूँ, तो वो जो है ना हुमैरा आप ही की फ्रेंड है, तो उनके थ्रू हम मिले हैं, तो वो ब्रिज थे। और अल्लाह जिस तरह होता है ना कि अल्लाह अच्छा, कभी कभी आपके सामने सच ले आते हैं, अल्लाह कभी कभी आपके सामने जो है ना आपके जो बेहतर होता है ना वो खुद ही आपके पास आता है, तो यही हमारे साथ हुआ है। और एक बात, तो आप सबकी दुआएं हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल आप सबकी दुआएं हमारे साथ है। और इसमें एक बात मैं और लाजमी ऐड करना चाहता हूँ, हम आप लोगों को, हमारी सारी वाईटी फैमिली को पता है कि हम और 8-10-15 दिन में इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमारा प्लान है इस्लामाबाद आने का। तो हम हिना और मैं ये सोच रहे थे हम किसी तरीके अप्रोच करेंगे आप ही से, आप ही को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ही, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं एज अ सब्सक्राइबर, हम वीडियो नहीं बनाना चाहते, पर आप ही ने जैसे यहाँ ट्रीट किया उसके बाद आप ही ने हमें कहा है कि आप लोगों ने इस्लामाबाद आना है तो मेरे घर जरूर आना है। और यकीन माने हमारा दिल इतना बड़ा, अब मैं दोनों हाथ खोल के नहीं बता सकता, इनवाइट करने का तरीका इतना, हमने जो है ना वही जाना है पिंडी बहरिया टाउन, वो भी आस पास ही कहीं वहीं रहती हैं, तो हमें यकीन माने वल्ला आलम हमें उम्मीद एक पर्सन नहीं थी कि ये आप ही की आदत ऐसी होगी, हमने जो सोचा था उससे बिल्कुल बरक्स है। और कोई ये पेड प्रमोशन नहीं थी, उन्होंने बगैर किसी लालच बगैर, कहती है कि आप नए यूट्यूबर हो तो मैं तो नए यूट्यूबर्स को सपोर्ट करती है, वो करती आई है। और उन्होंने मुझे उठते हुए ये भी बोला है कि आसिफ आप अपना लिंक मुझे शेयर कर देना अपने इस वीडियो का, मैं अपने उसमें क्या कहते हैं कम्युनिटी में भी लगाऊंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखिए मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही, फिर बात ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि आंखों देखा भी ना धोखा होता है, कभी वो आज हुआ है ऐसा, नहीं आज नहीं हुआ, नहीं मतलब आज क्लियर हुई है वो चीज, क्लियर हुई है, आंखों देखा भी कभी कभी धोखा हो जाता है, आजकल जो टाइम है ना किसी पे एतबार करने वाला नहीं है। बात ये है कि जो है ना वो मैं कोई पुरानी बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उनका नेचर आपसे शेयर करूंगी, ये बहुत बहुत स्वीट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, जिस तरह के आपके कमेंट्स आते हैं हमें, हम बहुत 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 मोटिवेट हुए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे इरादे रखते हैं। और सुबह हमने उनको नाश्ते पे भी इनवाइट किया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला सुबह दोनों फैमिलीज हमारे घर नाश्ते पे भी आएंगी। और हम, मैं एक बार जाते जाते आप ही का दोबारा से मिसेज अरशद का भी कह रहा हूँ,
आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया, इतना अच्छा डिलीशियस हमें डिनर करवाया, बहुत कमाल डिनर था। और मैं हुमैरा आप ही बोलूं, आंटी बोलूं, मुझसे बड़ी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे वो अपने बच्चों को, समी को ट्रीट कर रही थी, वैसे वो मुझसे बातें कर रही थी, और एक पर्सन नहीं लग रहा था मुझे कि मेरी हमारी पहली मुलाकात है। तो आप ही, आपका बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ा आया बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत हो गया था, वरना मेरा तो होर भी दिल से बहन था, वो नायरा भी थोड़ी सी बीमार थी इस वजह से निकलना पड़ा। बहरहाल सुबह हम मुलाकात जरूर करेंगे नाश्ते पे, इंशाल्लाह ताला वो लोग हमारे पास आएंगे, मुलाकात कराएंगे। तो लेते हैं आप लोगों से इजाजत। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।